आज यानी शुक्रवार को झारखंड के चक्रधरपुर से तस्करी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल राव करेला स्टेशन के पास एक ट्रेन से तकरीबन 3,80,00,000 रुपए के 110 सोने के बिस्किट की बरामदगी की गई है, जिसका वजन करीब 10 किलो बताया जा रहा है। साथ ही बता दें कि इस तस्करी में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तस्करी के मामले का पर्दाफाश उदयन एक्साइज और कस्टम विभाग ने किया है। साथ ही चक्रधरपुर रेल मंडल के RPF टीम की भी मदद ली गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि टीम को इस बड़ी तस्करी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस पर कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी के दौरान करीब 110 सोने के बिस्किट मिले हैं, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि रेलवे की ओर से अब तक इस मामले में खुलकर पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। रेलवे का कहना है कि एक्साइज और कस्टम विभाग ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की है। पूरे मामले में अभी जांच जारी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।